बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनको किसी ने कुछ बोला, वो उस आदमी को उस टाइम कुछ नहीं बोलेंगे, अब क्या है वो तो चला गया बोल के, अब आप घर में कर रहे हो मैं को ऐसा बोल दिया उसने, उसकी ऐसी की तैसी मैं चेक कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर अननोन है तो उससे डरना क्यों, फियर अगर अननोन है तो उससे डरना क्यों, और फियर नोन है तो डरना क्यों, उसका सलूशन ढूंढो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जी डी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आज हमारा टॉपिक क्या है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अलग है, वो बड़ा हो जाता है और उसको फिर ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बॉर्डर लाइन पे अगर आप हो तो आपका क्योर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप बहुत जल्दी क्योर भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये 5 पॉइंट में 5 सिम्टम है बेसिकली, ये अगर आपको हैं तो आप समझ लो आप बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे हो और आपको उस पे इमीडिएटली अटेंशन देने की जरूरत है। चलते हैं इस जर्नी पे, साइकोलॉजिकल जर्नी पे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि हम आपसे ऐसे अच्छे वीडियो शेयर कर सकें। क्या होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हमारी पर्सनैलिटी में हम डिसऑर्डर मिलाते जाते हैं, खुद ही मिलाते हैं, कोई और बाहर से नहीं आता, अडॉप्ट तो हम ही करते हैं, लेकिन हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमें बताता है कि अब आप बॉर्डर पे खड़े हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना, शुगर बॉर्डर पे होती है, बीपी बिल्कुल, वो कहता है डॉक्टर कि बीपी बिल्कुल बॉर्डर पे है आपका, शुगर बॉर्डर पे है, मीठा छोड़ दो। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी ऐसा ही है, जो ये 5 पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप इन 5 पॉइंट्स को बिल्कुल समझ लें, सिम्टम है, और अगर आप में ये हैं तो इनको इमीजिएटली रिमूव कर दें, वरना आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इन ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पहला क्या है, सेल्फ हेटेड, अगर आप अपने आप को हेट करते हैं, अपने आप से घृणा करते हैं, आप इस दुनिया के सबसे वीक आदमी हैं, इस दुनिया में सारी की सारी समस्याएं सिर्फ आपके पास हैं, इस दुनिया में जो प्रॉब्लम है ना वो कहीं है नहीं, मेरे साथ ही हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो समझ लीजिए आप बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे खड़े हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। सेल्फ हेटेड बच्चे, मैं प्लेयर नहीं बन सकता, मैं खेल नहीं सकता, मैं फॉरेन नहीं जा सकता, मैं अच्छी जॉब नहीं ले सकता, वो नेगेटिव से ही शुरू करेगा, नहीं शब्द, रिलेशनशिप, मेरा कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता, मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता, मेरे अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस दुनिया में जितना स्ट्रेस है सारा मेरे पास आ गया है, जितना भगवान ने दुर्भाग्य बांटा ना वो सारा मेरे पास आ गया है, ये सारी की सारी चीजें जो लोग सोचते हैं समझ लो वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पॉइंट पे खड़े हैं, बिल्कुल वॉल पे, थिन रेजर वायर, कब इधर चले जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो ऐसा आप मत सोचिए, आज से बंद कर दीजिए अगर आप सोच रहे हैं, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, इमोशनल इम्बैलेंस, हम इमोशनली बहुत वीक हैं, सडनली क्राई करने लग जाते हैं, सडनली इंपल्सिव हो जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं, सडनली इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं। आपने देखे होंगे ना बहुत सारे ऐसे लोग जो पिक्चर देखने हैं और गोली लगी हीरो को, हीरो की माँ जो पिक्चर में है वो उतना नहीं रोएगी जितने वो बाहर बैठ के रो रहे होंगे, आप समझ जाइए इमोशनल इंबैलेंस होता जा रहा है, इतना रोने की जरूरत नहीं है, जबकि एक्चुअल में उसको मालूम है इट इज अ पिक्चर, सडनली दूसरी पिक्चर भी आ रही है और वो लाखों रुपए कमा गया उस पिक्चर से, हम उस इमोशन में बहे जा रहे हैं तो हम इमोशनल इंबैलेंस हो रहे हैं, सडनली एंग्जाइटी में जा रहे हैं, कोई भी चीज इंपल्सिव करने की कोशिश करते हैं तो हम इमोशनल इंबैलेंस हो रहे हैं, और हर इमोशन को बहुत जल्दी तुला पे तोलने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं।
बीपीडी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, याद कर लीजिए बीपीडी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? हाई फ्रस्ट्रेशन। बहुत सारे आपने देखा होगा लोग ऐसे हैं, आपने कुछ उनको किसी ने कुछ बोला, वो उस आदमी को उस टाइम कुछ नहीं बोलेंगे। मान लो वो आदमी ने गलत बोल दिया तो आप उसको बता सकते हो, भाई आप गलत बोल रहे हो, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। अब क्या है, वो तो चला गया बोल के। अब आप घर में कर रहे हो, मैं को ऐसा बोल दिया उसने, उसकी ऐसी की तैसी, मैं चेक कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप अपना ही स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, थोड़ी देर बाद इतना लेवल बढ़ जाएगा एंगर का आपका, कि आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, हेडेक शुरू हो जाएगी, सर में बीपी बढ़ जाएगा, सारी प्रॉब्लम आप ले रहे हो, और वो आदमी आराम से घर पे बैठ के चाय की चुस्की ले रहा होगा, राइट? तो फ्रस्ट्रेशन में जाना नहीं। जो चीज आपको लगती है जेन्युइनली, आर्टिफिशियल बिहेवियर मत दिखाइए प्लीज। ये हम आर्टिफिशियल बढ़िया बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल बढ़िया बनने की कोशिश करेंगे, आपको लाइफ में आर्टिफिशियल लोग ही मिलेंगे। सच्चाई जितनी स्वीकार करेंगे, आपको सच्चे लोग मिलेंगे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर उस पर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको फ्रस्ट्रेशन में जाना नहीं है। अगर किसी ने कोई चीज ऐसी बोली जो आपको अच्छी नहीं लगी, सोशली भी आपके लिए वो अच्छी नहीं है, तो वहीं बोलिए उसे। और लड़ने की जरूरत नहीं है कि गला पकड़ लो उसका, नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करिए, पोलाइटली बोलिए, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता दीजिए उसे कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फ्रस्ट्रेशन कैरी मत करिए, वहीं छोड़ाइए, ठीक है? अब हम फोर्थ पॉइंट पे चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? अनस्टेबल रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके, वो रिलेशन पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, बहुत जल्दी स्विंग हो रहे हैं। आप सडनली उन रिलेशनशिप में जा रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, उन रिलेशनशिप को बिल्कुल डिटैच हो रहे हो, उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हो, और आजकल जो यूथ है वो एक नई पीढ़ी जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, इसे कॉल्ड ए रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, रिलेशनशिप बनना, और वो बार बार अगर आपके हो रहे हैं तो रिलेशनशिप अनस्टेबल हो रहे हैं, तो आप बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हो, बीपीडी की तरफ बढ़ रहे हो, और वो धीरे धीरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोफेशनली आप ऑफिस में कलीग्स के साथ, बाकी लोगों के साथ आपके बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके बार बार हॉट डिस्कशंस हो रहे हैं, तो बीपीडी की तरफ जा रहे हो। अवॉइड करिए उनको, समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, कंट्रोल कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ढंग है उनके कंट्रोल करने के, आप फॉलो करिए, कंट्रोल कर लेंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर, दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव डिसीजन एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। ये दो पॉइंट्स थे, मैंने एक जोड़ दिया, बट आप इसको समझ लीजिए क्योंकि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट, इम्पल्सिव डिसीजन। सडन आपने डिसीजन ले लिया, क्या मेरे को एक कार खरीदनी है वाली, चलेंगे, खरीद लाए, चार दिन के बाद नहीं यार बेकार है, इसमें तो नहीं आना। वो बच्चे भी ऐसा करते हैं, एक बुक खरीदनी है, फलाने राइटर की बुक बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं। एक सेकंड के इंपल्सिव डिसीजन मेरे को, आप देखोगे, छोटा एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे पेरेंट्स आगे मेरे से डिस्कस करते हैं, बच्चा दूसरे को देख के सडनली इंपल्सिव डिसीजन लेता, मेरे को कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेना, जैसे गिटार लेनी, और यकीन मानना वो गिटार पे धूल इतनी जम चुकी होती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो उसकी वायर तोड़ रहे होते हैं। तो हमें इंपल्सिव डिसीजन कोई भी नहीं लेना चाहिए, अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बीपीडी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है? और फियर ऑफ रिजेक्शन, सोशल फियर बहुत है, ऊंचा मत बोलो कोई सुन लेगा, अरे क्या सुन लेगा भाई, उसके पास इतनी फुर्सत है कि तुम्हारे बातें सुनने के लिए, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम उसको सुन रहा है, सड़क पे जा रहे हैं, बहुत सोशल फियर खड़ा हो गया कि रिजेक्शन। दूसरा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा कोई मजाक उड़ा देगा, अरे मजाक क्या उड़ा देगा, मेरी बेइज्जती क्या कर देगा, आपको क्या लगता है, अगर ये इतनी ही बेइज्जती होती थी पॉलिटिशियन तो कभी कैसे चले जाते, पॉलिटिक्स छोड़ के सन्यासी हो जाते, बेइज्जती शब्द होता ही नहीं,
आप खुद ही अपनी बेइज्जती करते हैं। डरना ही नहीं यार, सोशल फियर लेके नहीं चलना, क्योंकि अगर आप फियर लेके चलेंगे तो क्या होगा, फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाएगा, और फियर ऑफ रिजेक्शन से आपके अंदर इंपल्सिव बिहेवियर तो आएगा आएगा, इल्यूजन्स बहुत सारे आने लगेंगे, बहुत सारे डिल्यूजन्स हो जाएंगे आपके, और जिनको बाद में जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंपल्सिव डिसीजन और फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि इंपल्सिव डिसीजन लिया और बाद में वो गलत हो गया तो हमें लगता है ना कि हम डिसीजन ले तो पहले ही सोच लें, अच्छे से सोचने में टाइम लगा फिर डिसीजन ले, ताकि फियर ऑफ रिजेक्शन खत्म हो जाए। फियर ऑफ रिजेक्शन में एक चीज आप बिल्कुल याद रखें, क्या, कि फियर अगर अननोन है तो उससे डरना क्यों, फियर अगर अननोन है तो उससे डरना क्यों, और फियर नोन है तो डरना क्यों, उसका सलूशन ढूंढो, बिल्कुल सिंपल है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन खत्म। तो ये पांच ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप सिम्टम्स ये पांच लेके चल रहे हैं कहीं आपके पास हैं तो आप बीपीडी के हैं, बॉडी लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ खड़े हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ बढ़। तो इन पांचों में से एक भी है, मैंने बड़े छांट के समराइज किए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप तुरंत एक्शन ले लीजिए इस पे, ताकि ये बीपीडी आपका खत्म हो जाए। अभी ये कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोलेबल स्टेज। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, हमें जब कभी पूछ सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।